थोड़ा सा खिला दे मेरे को उसमें कचोरी से, उसमें से, उसमें अरे तेरी में से खिला देना फिर से। मैं जो इसमें से कचोरी खाऊंगा नहीं। डाकी चुड़ैल ढक्कन गर्दनी ला रही है, मैं तो लेके आया था कचोरी। खा ले तू, भूख मरी नहीं खा मैं, खा ले तेरे खम्बड़ उम्बड़। हंस रही, थोड़ी सी टेस्ट करवा दिया। मैं भी आराम ज्यादा खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस जरा ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है रेसिपी का, क्योंकि आज मैं फर्स्ट बार खाना बनाना ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आता तो नहीं है लेकिन मुझे खाने के लिए बहुत पसंद है, वो भी कचौड़ी के साथ। तो हमने बाजार से कचौड़ी तो खरीद ली थी, जैन कचौड़ी वाली थी ना अभी, लेके आए कि मैं एक बार कोटा से लेके आया था, इसके लिए खम्मन और कचौरी दोनों लेके आया था। मतलब ईयर में ना अभी तो हम कभी भी मार्केट जाते थे सामान वगैरह लेने, तो हम खम्मन कचौरी खाते थे वाली। तो चल देखे कैसे बना रही है, तो खम्मन दिखा। तो गाइस देखो, अभी ये हमारा पानी तैयार हो चुका है खम्मन का ना। ये थोड़ी जला दी पागल, ये तो अरे यार मुझे चढ़ चल गई थी। तो गाइस आपको पता है मुझे आता तो है नहीं, तो धीरे धीरे सीखूंगी, अभी मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है। देखो कैसा बनता है, मैं भी देखती हूँ अच्छा बनेगा या बुरा, दिखाते हैं आपको रिव्यू कैसा आता है। हाँ, और उस... ये तो इसका मसाला है, मतलब मिर्ची वगैरह जो ऊपर से अपन गार्निश करेंगे। हाँ, और अभी खम्मन जो रेडी हो रहा है उसको टाइम लगेगा। दिखा उसको, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये गाइस बहुत गर्म है, तो मैं इसको कपड़े से पकड़ूंगी। हाथ मत मार लीजिए ढक्कन। तो अभी नीचे का फिर बनने दे उसको, तैयार होने दे। तो गाइस इसको थोड़ा बनने देते, थोड़ा टाइम लगेगा 5-10 मिनट और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी गार्निश करेंगे, कैसा लगेगा ये दिखने में और कैसा लगता है टेस्ट में। तो बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था, मैंने गैस ऑफ कर दिया है पूरा कम्प्लीटली, टाइम हो चुका है, अभी निकल चुका है। आप देखते इसको चेक कर लेते हैं नाइफ से। तो गाइस देखिए बिल्कुल क्लियर निकल रहा है नाइफ अपना, एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो बिल्कुल चिपक नहीं रहा, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है अंदर से। तो अब इसको उतार के इसकी गार्निश कर लेते हैं। तो जल्दी से खिला, तो कैसा लगता है मेरे को खाना है, भूख लग रही है, अब इसको निकाल। भूख तो नहीं लग रही, पर फिर वो अभी वो पानी बनाया था मीठा मीठा, वो डालना है ना इसमें ऊपर से। अच्छा ऊपर से डालना है, ले मैं उतारू पागल, अभी गरम गरम है, निकालो ना उंगली जल जाएगी। ये अभी निकालेंगे क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होता। प्लेट को निकालना है ओनली, प्लेट को निकालना है। कढ़ाई कैसे पकड़ोगे, दिख ही नहीं रहा कुछ। ये वेरी गुड, नीचे रखो नीचे रखो, अरे यहाँ नीचे रखो ना। अच्छा अच्छा, भगवान लो पकड़ा, अभी इसको फोन को पकड़ा। तो गाइस अब मैं इसकी गार्निश करूंगी। गार्निश कर तू, थोड़ी बहुत अक्कल होनी चाहिए। अभी देखो मतलब लड़कों में इतनी सारी अक्कल होती है, कैसे निकालना है, कट करेंगे। हाँ तो गाइस ये अभी फिलहाल कट कर रही है, वैसे बहुत ही अच्छा बनाया इसने, तो कट कर दे। जाली वाला, हाँ तो, तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी उसको ठंडा होने दे। हाँ अभी ठंडा होने दे, पहले से ही बना भी दिया अच्छा खासा बना है, उसको बिगाड़ने में लग रही है। तो इतनी सी देर आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या इसने मतलब मिक्स किया है। तो बता क्या क्या मिक्स किया है। थोड़ी सूजी, थोड़ा बेसन, दही 1 कप दही और ऑयल और पानी, और लास्ट में जब बनाने लगेंगे सब, तो आधे घंटे पहले पेस्ट बनाए रखना है ताकि ना सूजी फूल जाए, आधे से एक घंटे अपनी इच्छा अनुसार। मतलब मिनिमम उबालने के लिए, मतलब इसको सेकने के लिए जो ओवन में रखेंगे ना, उसके जस्ट पहले अपन को इनो डाल देना है, या फिर आप सोडा भी डाल सकते हैं। मिनिमम आधा घंटा तो रखना ही है इसको ना। लेकिन आपको सबको ये पागल में तो यूट्यूब पे देखा है। हाँ इसमें पानी मिला दे पानी, तो इसके बाद ये यहाँ ऑयल, अच्छा ऑयल, क्योंकि ऑयल से क्या है ये बाहर निकल जाएगा। देखो इससे वो भूख मरी दू डॉग तुम दोनों, तुम्हारी पूरी दो, तुम्हारी इनकी इनकी इससे की जो कचौड़ी थी गाइस, इन्होंने फिनिश भी कर दी पूरी, और मेरे को निकाल देते। तो एक कचौड़ी तो मेरी है इसमें, नहीं नहीं मेरी ये है, मेरे को खिला। अब वो पूरी चटनी वगैरह वहां रखी हुई है, वो हो गया थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसको अब कटिंग कर दे उसकी। कूलर में रख देते हैं। नहीं नहीं फ्रिज में रख सकती है तू, कूलर में क्या रखेगी। हां उसने फ्रिज में रखा था, आपको कैसे पता। अरे हर चीज मेरे को कैसे पता, थोड़ा सा दिमाग सेंस तो लगा थोड़ा सा। हां इतना अच्छा बनाया पूरा बिगाड़ दिया बिना इसके। मैं फ्रिज खोल रहा हूं गाइस, को थोड़ी देर से फ्रिज में रखेंगे 5-10 मिनट, गरम चीज को भी रखेंगे, फ्रिज खराब हो जाएगा ना। हाँ इतना गर्म है क्या,
ठीक है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, ठीक है? तो वेट एंड वॉच। अब मेरे को कचौरी खाने दे। अरे मेरी है? नहीं नहीं अब नहीं, नहीं। तो गाइस कम से भी कम उसको मिनिमम 20 मिनट हो गए ना, 20 मिनट हो गए। तो अब निकाल लेते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, गार्निश करते हैं और फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा लगेगा। काट के तो पहले बिगाड़ दिया तूने रेड को, और कितना अच्छा कलर आया इसमें। तो गाइस कम ऑन एंड वॉच, देखो पहले से बिगाड़ दिया। अब देख अब कटिंग हो रही है ना, नहीं क्या पता मेरे को, तो मुझे आता तो है नहीं क्योंकि मैं क्या डालेगा। तो अभी इसको कटिंग कर लेने देते हैं, फिर इसमें जो गार्निश करेंगे तो वो दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है? जल्दी से कटिंग कर दे इसकी। तो कटिंग हो गई है और इसने थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया, 20 मिनट गया और ज्यादा। अभी तो वैसे गर्म ही है, अरे इतना पर वो बिल्कुल चिल्ड ठंडा होने के बाद है ना अच्छे से सेट हो जाता है। पहले से खाने लगी, भूख मरी। टेस्ट करो, मैं देखा कच्चा पका गया। तो अब इसमें ये जो पानी बनाया है इसका मीठा मीठा वो पानी मिला रही है, मीठा खट्टा मीठा है वो, खट्टा मीठा पानी है ना, बोल ना तू बोल। इसमें थोड़ा खट्टा मीठा पानी है जिसकी गार्निश करेंगे, जो अपने रेडी किया हुआ था पहले से। तो देखो इस खावड़ी को क्या खावड़ी है, अभी टेस्ट करते हैं। तो पूरे को खाने लग गए ऐसे, टेस्ट करते कैसा लगा टेस्ट करके बता। खुद बनाता है तो खुद करते हैं। नहीं मैंने तो खाया नहीं, मैंने तो टेस्ट ही नहीं किया। गाइस जो खुद बनाता है वो अपनी गाइस खुद करेगा, तो इसको टेस्ट कराते हैं। कितना प्यारा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा इसमें। हां मेरे को खिला, पूरा खा। वाओ कैसा लगा कसम से भाई। अभी तुमने ग्रीन चटनी के साथ खाया, ग्रीन चटनी के साथ अपन कोटा लेके आए थे सेम वैसा ही बनाया है ना। थैंक यू। तो गाइस बहुत टेस्टी बनाया, जैसे मतलब मार्केट में मिलता है ना वैसा बनाया, बहुत ही प्यारा बनाया। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी इतने कि इतना अच्छा बन जाएगा। मैं खुद ना कुछ बिगाड़ी दूंगी ना मैं, मेरे को कसम से भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बन जाएगा। पर यार पानी थोड़ा सा कम, मतलब मीठा पानी और खट्टा मीठा ज्यादा बनाती पानी। अरे खट्टा नहीं बोली था मैंने। तो देखो कमेंट देख लो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट मार्केट के जैसा। और फर्स्ट बार बनाया इसने रानू ने ना, हम भी एक बार चटो गए दोनों ऐसे, हर कोई चीज फर्स्ट बार मेकिंग किया। इसको अपन गांव चलेंगे तो गांव में बनाएंगे, दिवाली मेरे से कोई भी त्योहार में ना। चलो अभी खा लेते हैं। हाँ तो खा लेते हैं, और अभी खा के हमें अपन को कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है। हाँ तो अभी खा के हमें हॉस्पिटल भी जाना है, तो जल्दी से खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं और कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अभी चटनी वगैरह है, चटनी में मिक्स करके और कचौरी, हाँ ग्रीन चटनी है और कचौरी है, तो कचौरी में लेके आऊँ कहाँ पे तेरी। तो अभी ये क्या है इसका अगर खाने का जो टेस्ट है ना गाइस, तो ये कचौरी के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है, कचौरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया था। हाँ तो ग्रीन चटनी डालेंगे इसमें ऊपर से, तो जल्दी से हम खा लेते हैं। तो खा के आप लोगों से फिर मिलते हैं। थोड़ा सा खिला दे मेरे को कचौरी। अरे तेरी में से खिला देना फिर, मैं तो इसमें से कचौरी खाऊंगा। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। अभी यार ये इसको क्या खाऊं मैं, थोड़ी सी ले डाकी चुड़ैल ढक्कन गर्दनी ला रही है, मैं तो लेके आया था कचौरी। फिर अभी मैं जाऊंगा ना मार्केट, तो मैं भी लेके आऊंगा फिर निकाल जाए तो थोड़ी गर्मी में, मैं तो लेके आऊंगा ठीक है। खा ले तू भूख मरी, निकाला मैं खा ले तेरे खम्बड़ उम्बड़ बस। थोड़ी सी टेस्ट करवा दे, मैं भी आराम ज्यादा हो खाऊंगा। रुक जा थोड़ा सा। अभी ब्लॉग के वैसे ना नाटक मत करो, कल तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है। तो यार फाइनली खम्मन वगैरह खा लिया, और आपने देखा होगा अभी जस्ट क्लिप में, इसके पहले वाली क्लिप में देखा होगा ये ना इसकी थोड़ी सी मैंने क्या टेस्ट कर ली ना, खम्मन और कचौड़ी लेके पता है सिर फोड़ने में आ गई थी मेरा, वो तो मैंने वीडियो में लिया मेरा सिर। झूठे अरे यार ये आप लोगों को दिखा दूं, इसकी उठा के मारी मेरे, मेरा सिर उड़ते उड़ते बचा है भगवान का। इसके ऐसे यहाँ पे ये है ना, ये इसकी मैंने लगते देखो अभी देख लो अब इसकी, वो तो गया मैंने वो तो गया इसकी सच्चाई है ना, मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई देखा हुआ मैं लाने में भूख लगी थी पेट थोड़ा सा बढ़ाई मेरा खा और यार आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें अभी जाना है हॉस्पिटल, तो वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और अभी फिलहाल मेरे को एडिट भी करनी है और आज ही अपलोड भी करनी है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और
शेयर भी कर देना अगर आप लोगों से हो जाए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।